नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। हमने अपनी पिछली वीडियो में 2011 का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था बीएससी एग्रीकल्चर का, उसके क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था और मैंने आपको पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड करवाई थी। तो आज की वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे सॉल्व पेपर 2012 का। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना एक गुजारिश है, क्योंकि रिकमेंड तभी करेगी, मैं बार बार बोलता हूँ आपको, इसीलिए वीडियो एंड तक देखने के लिए बोलता हूँ। बाकी आपकी मर्जी, अगर आप डाउनलोड डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। पर हमारी जो वीडियो है फिर रिकमेंड नहीं करेगी, जो भी रिकमेंडेशन में आती है, जो YouTube का एल्गोरिथम होगा आप जानते ही हैं, तो उसके हिसाब से इसीलिए कहता हूं कि वीडियो को पूरा देखिए। बाकी अगर आप डायरेक्ट भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। वो सब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना सपोर्ट करना चाहते हैं। दोस्तों चलिए आज डिस्कस करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम जो 2012 में हुआ था। काफी ज्यादा ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और दोस्तों मैंने आपको बार बार बोला है कि रीजनिंग जो रहेगी वो प्रीवियस ईयर में कुछ टेस्ट जो हुए थे, एग्जाम जो हुए थे, उसमें रही थी, क्योंकि इसका पैटर्न जो था चेंज रहता था। इसमें 200 जो क्वेश्चन रहते थे वो रहते थे, और इसीलिए इसमें क्या रहता था दोस्तों कि रीजनिंग भी ऐड की होती थी। ठीक है, इसमें 200 क्वेश्चन रहते, इसीलिए रीजनिंग ऐड की होती थी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे। बट हमारे पास जो नया पैटर्न आने लगा, ठीक है, नया पैटर्न जो फॉलो होने लगा, उसमें क्या 180 आपको पता है क्वेश्चंस रहते हैं। तो 180 क्वेश्चंस में आपके पास क्या रहता है, 180 मार्क्स रहते हैं, 180 मार्क्स का आपका पेपर होता है और 180 आपके क्वेश्चन रहते हैं। तो उसमें रीजनिंग के चांसेस बहुत ही कम होते हैं कि आपसे रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे। बट फिर भी मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप जो हैं तो अपनी तैयारी फुल रखें उस हिसाब से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें भी रीजनिंग सेक्शन दी गई है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है वैसे तो समझना, बट जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या बायोलॉजी स्ट्रीम है, स्ट्रीम बी के लिए है, वो आप ज्यादा समझ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए रीजनिंग का अभी मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे देखिए वही सब कुछ इसमें रहता है जो मैंने आपको बताया, रीजनिंग का सिंपल सा कंसेप्ट रहता है, सीरीज का पूछा जाता है आपसे। ठीक है, बाकी आपसे इस तरह से कोडिंग लैंग्वेज जो रहती है, ठीक है, वर्ड्स लेटर्स नंबर्स जो कोडिंग का रहता है उससे रिलेटेड पूछा जाता है। तो आप इस तरह से पढ़ सकते हो, ये आपके मेंटल एबिलिटी के लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल है। तो ऐसा नहीं है कि आप ना पढ़ें, पढ़ के जाएं, आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है दोस्तों, बाकी हम डिस्कस करेंगे ज्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का। ठीक है, अब देखिए फिजिक्स का इसमें क्या रहता है, देखिए इसमें पैटर्न बेशक अलग फॉलो होता है बट सिलेबस के अकॉर्डिंग तो वही सब कुछ आएगा ना। अब सिलेबस थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, क्योंकि सिलेबस में से कुछ हिस्सा जो है हटा दिया जाता है, कुछ नया ऐड किया जाता है, ऐसा हो सकता है। बट आपको हेल्प मिलेगी जब आप इन क्वेश्चंस को पढ़ोगे, और जो न्यू सिलेबस मैंने आपको बताया है उस पर मैंने वीडियो बनाई, आप जस्ट जाकर देख सकते हैं। तो उस सिलेबस पे अगर आप फोकस करोगे तो इजीली आप समझ पाओगे। ठीक है दोस्तों, बाकी दोस्तों कई जो हमारे व्यूअर्स थे वो कह रहे थे कि भाई आप तो वही बुक वाले चेप रहे हो, बुक वाले क्वेश्चंस पेपर जो अपलोड कर रहे हो कहीं बुक से देख देख। देखिए दोस्तों आपके लिए जरूरी है क्वेश्चन पेपर, ठीक है, वो कहाँ कहीं से भी अपलोड हो। ठीक है, अब कई हमारे स्टूडेंट से या कई जो बच्चे होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम होती है कि वो कहाँ से खरीदे यार, बुक नहीं खरीद सकते वो इस लॉकडाउन के टाइम में। ठीक है, काफी ज्यादा उनको प्रॉब्लम हो रही है यार क्वेश्चन पेपर। तो हम चाहे बुक से आपको दिखाएं चाहे कहीं से भी दिखाएं, अब देखिए विरोध करने वाले तो हर जगह होते हैं। ठीक है, तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको विरोध करना है या जिसको प्रॉब्लम हो रही है मेरे क्वेश्चन पेपर अपलोड करने से, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। हर किसी के अपने अपने सुजेशन होते हैं, बाकी जिनकी हेल्प मैं करना चाहता हूं उनकी हेल्प कर रहा हूं वो, और वो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देखते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का, ज्यादा समय नहीं लूंगा यहां पर। बाकी आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिए, यहां से आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, हमने आपके लिए स्पेशली जो है तो इसके लिए पीडीएफ फाइल बनाकर रखी हुई है पहले से ही। ठीक है दोस्तों, तो आप वो डाउनलोड कर लीजिए। अब फिजिक्स केमिस्ट्री का इसमें भी थोड़े बहुत जो पार्टीशन की गई है, ठीक है, नंबर्स तो वही रहेंगे आपके, 200 इसमें रहे हैं, 180 इस बार आएंगे। तो आप बाकी दोस्तों मैं तो आपको यहाँ पे पैटर्न फॉलो या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप डायरेक्ट डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो। और देखिए इस तरह से वही सब कुछ आता है, कुछ डिफरेंट नहीं आता जो आप पढ़ते हो। और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप सीबीएसई की जो बुक रहेगी वहां से ज्यादा पढ़े। ठीक है, सीबीएसई का काफी ज्यादा इसमें फॉलो किया जाता है, जो एचपी बोर्ड रहता है, एनसीईआरटी का रहता है, वहां से बहुत ही कम पूछा जाता है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जो पढ़े सीबीएसई की बुक से पढ़े, एनसीईआरटी की भी बुक्स रहती है फिजिक्स की। ठीक है, तो आप वहां से ना पढ़े, यही मैं आपको रेकमेंड करता हूँ। बाकी दोस्तों देख सकते हैं आप मैथमेटिक्स सेक्शंस आ गई हमारे पास। ठीक है, और आगे अभी आगे हम बायोलॉजी सेक्शंस में भी आपको बताएंगे कि बायोलॉजी सेक्शन में क्या कुछ आता है। अभी ये मैथमेटिक्स सेक्शन है, देखिए इसमें ये इस तरह के क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं यार, जो आपके पास स्टेटिस्टिक्स से रिलेटेड हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड हैं, या आपके आपके आगे दूसरे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हैं। ठीक है,
और बाकी भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो रहते हैं इसमें मैथ्स से रिलेटेड हैं और भी बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बायोलॉजी की बात करते हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी, यहाँ पे आपके पास ब्रांचेस आ जाती हैं इसकी, ठीक है। और जूलॉजी में क्या क्या पूछा जाता है, अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया है, जो भी पूछा जाएगा वो रिलेटेड पूछा जाएगा, ठीक है। अब आपसे तो वही पूछा जा सकता है ना, क्योंकि एग्रीकल्चर में है आपका, ठीक है, तो प्लांट से रिलेटेड, ह्यूमन से रिलेटेड, अगर आपसे जूलॉजी से रिलेटेड पूछा जाता है तो वही कि क्या कुछ इफेक्ट पड़ते हैं या कुछ जो बायोलॉजी में रहता है वो आप समझ सकते हो। ये फुल आपको वीडियो यहाँ पे मिलेगी, अब 200 क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे आप डायरेक्ट पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिए, कोई वीडियो आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, फिर भी जो मैंने कंसेप्ट बताया आपको वो आप इजिली याद रख सकते हो। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एचपी एग्रीकल्चर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यहाँ पे आंसर्स की भी दी गई है, आंसर्स को आप मैच करिए, ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करिए, और आंसर्स दिए गए हैं, ठीक है। और नोट यहाँ पे आपको इसलिए दिए गए कि नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट, जहां पर भी आपके पास नन ऑफ द गिवन ऑप्शन दिया गया है वो सभी करेक्ट है, ठीक है। ऊपर जहां पर भी आपके पास दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं कि कहां पर इस तरह के जो क्वेश्चंस रहते हैं उसमें भी आपको समझना जरूरी है, ठीक है। बहुत ही कम इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं कि नन ऑफ द गिवन अबव, ठीक है, इस तरह के आपके क्वेश्चंस दिए गए हो। यहाँ पर तो फिलहाल हमें नहीं मिल रहे हैं, अगर आपको कहीं पर मिलते हैं इस तरह के क्वेश्चन तो वो आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आंसर्स की हमारी, ये था पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, आपका एक सब्सक्रिप्शन जो है हमारे लिए काफी वैल्यूएबल है, और फीडबैक देना ना भूले, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में 2013 के क्वेश्चन पेपर लेकर, और जल्द ही मिलेंगे दोस्तों, तो तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी करिए, धन्यवाद।